हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है रीना हैप्पी फैमिली में। तो देखिए, आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर कोफ्ता। तो मैं पनीर के कोफ्ते बनाने जा रही हूँ जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होंगे और मुंह में जाते ही घुल जाएंगे आपके। इस तरह के कोफ्ते होंगे। तो देखिए, उसके लिए सबसे पहले मैंने ग्रेवी की तैयारी की है। तो ये देखिए, मैंने दो टमाटर लिए हैं, थोड़ा बड़ा साइज का, और मैंने इस तरह से काट लिए हैं। और दो मीडियम साइज का प्याज ली हूँ, इसे भी कट कर ली हूँ। लहसुन ली हूँ, और ये अदरक है, और ये है काजू, 8 से 10 काजू के टुकड़े। तो ये देखिए, तब चलिए हम ग्रेवी के लिए इसे तो हम सबसे पहले पैन ले लिए हैं और इसमें मैं डाल दे रही हूँ सबको, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और ये काजू। और इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा पानी। और गैस को ऑन कर दूंगी मैं। और इस तरह से हमें मिला लेना है। और इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा नमक ताकि ये थोड़ा जल्दी पक जाए। बस इसे हमें अच्छे से पका लेना है। इस तरह से ढक करके मैं इसे 5-10 मिनट पका लूंगी बढ़िया से। फिर इसको हम ग्राइंडर में पीस लेंगे। तो अब हम चलिए कोफ्ते की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 300 ग्राम पनीर। और ये देखिए, इस तरह से मैंने इसे ग्रेट कर लिया है। और इसमें मैं डालूंगी एक छोटा आकार का प्याज जिसे मैंने बारीक काट लिया है, और एक शिमला मिर्च छोटा 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 बारीक काट लिया है इसे भी मैंने, और धनिया के पत्ते। अब इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा नमक, हल्का सा डालना है, और थोड़ा सा मैं डालूंगी मिर्च पाउडर, हल्का सा, और डालूंगी चाट मसाला पाउडर, और काली मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच के करीब, दरदरा कूटा हुआ, और यहीं पे 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ पिज्जा सीजनिंग का, ये जो ऑर्गेनिक होता है, ऑर्गिनो, वो मैं डाल दे रही हूँ इसमें। तो अब हमें इसे अच्छे से मिला लेना है। अब यहीं पे मैं डाल दूंगी इसमें बाइंडिंग के लिए मैदा। तो मैं 2 चम्मच के करीब मैदा ऐड कर रही हूँ। तो 300 ग्राम पनीर में आप कम से कम 50 ग्राम के करीब मैदा ऐड कर सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। अब इसे हम कोफ्ता का शेप दे देंगे। तो इस तरह से हम जिस भी साइज में आप बनाना चाहें, तो इस तरह से देखिए, थोड़ा सा दबाते हुए अच्छे से, ये देखिए, इस तरह से हम सारे कोफ्ते इस तरह से बना के रख लेते हैं।
तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने सारा कोफ्ता बना करके इस तरह से बना के रख लिया है। अब चलिए इसे फ्राई करते हैं। तो पहले इधर तेल गरम होने के लिए रख दिया था कढ़ाई में, और ये गरम भी हो गया है, तो मैं इसमें एक एक करके कोफ्ता डाल देती हूँ। ध्यान रखिएगा कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, और फ्लेम भी हमारा कम पे होना चाहिए। तो ये देखिए, हम इस तरह से धीमी आंच पे हम इसे तल लेंगे थोड़ा देर, ताकि हमारा अंदर से भी हमारा कोफ्ता पक जाए। ये नहीं कि तेज आंच पे हम करके पका लिए जल्दी जल्दी और ये अंदर से कच्चा ही रह जाएगा, तो हमें धीमी आंच पे ही पकाना है। ये देखिए, हमने ग्रेवी के लिए ये प्याज और टमाटर इसे पकाया था जो हमने, ये भी हमारा बिल्कुल पक गया था, और मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया का पत्ता भी ऐड किया है। तो ये देखिए, और ये ठंडा भी हो चुका है, तो हम इसे मिक्सी जार में डाल करके इसे पीस लेते हैं अच्छे से। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारे कोफ्ते बहुत अच्छे से पक रहे हैं और ये पक चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए, तो इसे हम बहुत अच्छे से हल्के हाथों से निकालेंगे, इसे बहुत ही सॉफ्ट होते हैं ये कोफ्ते। अब यहीं पे हमारे जो बचे हुए कोफ्ते हैं उसे डाल देते हैं, दूसरा बैच हम इसमें। तो आप देख रहे हैं 300 ग्राम पनीर में हमने बहुत सारे कोफ्ते बना लिए हैं, और मैंने इसे 50 ग्राम मैदा यूज किया है इसमें बाइंडिंग के लिए। और मैंने जो इसमें ऑरिगेनो डाला है वो ऑप्शनल है, वो कोफ्ते में जो मैंने ऑरिगेनो डाला था सीजा पिज्जा सीजनिंग वाला, तो वो आपका ऑप्शनल है, वो आपके पास अगर है तो डाल दीजिए, नहीं है तो उतनी सोचने की ज़रूरत नहीं है, मंगाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास था तो मैंने डाल दिया था, थोड़ा थोड़ा बहुत ही टेस्ट में फ़र्क आता है। ये देखिए फ्रेंड, हमारा बहुत ही मस्त कोफ्ता बनकर के तैयार हुआ है पनीर का। अब चलिए ग्रेवी को तैयार कर लेते हैं। तो ग्रेवी के लिए मैंने उसी कढ़ाई को ले लिया है, और इसमें तेल बहुत ज़्यादा था तो मैंने कम कर दिया है, और एक बड़ा चम्मच तेल इसमें रहने दी हूँ मैं। तो हम ये देखिए, ग्रेवी के लिए ये मैंने प्याज टमाटर ये सब पीसा था जो, उसे मैं डाल देती हूँ इसमें। अब इसी में हम कुछ पाउडर मसाले ऐड कर देंगे, तो जैसा कि एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच मिर्च पाउडर, काली मिर्च, जीरा का पाउडर एक छोटा चम्मच, और ये गरम मसाला पाउडर, और कश्मीरी लाल मिर्च। ये हम इसे बहुत अच्छा कलर देने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रहे हैं इसमें। तो मसालों को थोड़ा अच्छे से पका लेते हैं। यहीं पे मैं स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारा ग्रेवी पकते पकते 5 से 10 मिनट हो गया है,
और ये देखिए तकरीबन तैयार हो गया है। तो मैं इसमें थोड़ा सा फ्लेवर के लिए बटर यूज कर रही हूँ। अब यहीं पे मैं थोड़ा सा क्रीम यूज करूंगी। अब बस 2 मिनट पकाना है हमें, बस हमारी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड, हमारी बहुत ही लाजवाब ग्रेवी तैयार हो गई है और बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बना है। तो मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और हमें कोफ्ते को इसमें पकाना नहीं है, बस मैं इस तरह से ऐड कर दूंगी कोफ्तों को इसमें। और इसके ऊपर मैं इस तरह से ग्रेवी को कोट कर दूंगी ग्रेवी से। अब बस थोड़ा सा 2 मिनट इसे बस रखना है, उसके बाद आप इसे खाने में यूज कर सकते हैं। और ये देखिए हमारा बहुत ही लाजवाब पनीर कोफ्ता बन करके रेडी है। तो आप भी इसी तरह से घर पर मुंह में एकदम घुल जाने वाला पनीर कोफ्ता बनाइए और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करिए इसे। कोई रेस्टोरेंट या कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको बाहर, आप इस कड़ाके की ठंड में घर पर ही बहुत ही लाजवाब पनीर कोफ्ता बनाइए और इंजॉय करिए अपनी फैमिली के साथ। इसे किसी के साथ भी खा सकते हैं, लच्छा पराठा हो, पनीर पराठा हो या रोटी हो, चावल हो, पुलाव हो, बहुत ही टेस्टी होने वाला है ये। तो से जरूर घर पे ट्राई करिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर और कमेंट्स करके जरूर बताइए कि मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लग रही है। तो चलिए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, हमारा लाजवाब पनीर कोफ्ता बन करके रेडी है। तो हम तो जा रहे हैं इसे इंजॉय करने। अगर आपको भी अपने घर पे इंजॉय करना है पनीर कोफ्ता तो आप भी अपने घर पे ट्राई करिए और इंजॉय करिए। तो ओके, बाय बाय फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय। Audio Jungle.